जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश सर आई टी में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी मध्य प्रदेश की तीन बड़ी भर्तियां पर लेकर आ चुके हैं, वो भर्ती का इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को स्केप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन सही तरीके से आ सके। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी निकल कर आई हैं, आओ क्या आपकी योग्यता रहने वाली, कब आपको आवेदन करना है, किस तरह आवेदन भेजना, पूरा वीडियो में बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल पर नए आए, पहली बार आए तो आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। चलिए हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई। देखिए पहले जो वैकेंसी बता देता हूँ, पहले जो वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है वो कार्यालय सहायक की गई, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट की, ठीक है ना। यहाँ पर 35 वर्ष आयु से कम होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है, कम से कम 35 से कम नहीं होनी चाहिए आपकी, 35 से ज़्यादा ना हो आप लोग। और दूसरा यदि हम योग्यता की बात कर लेते हैं तो योग्यता में यहाँ पर कंप्यूटर के साथ आपका आपका यहाँ मांगा हुआ है आपका BA और BCOM में ग्रेजुएट है, ठीक है ना, BAW, तो आप लोग उस आवेदन कर पाएंगे, ठीक है, यह बात देख लेना। दूसरा आपके पास बेसिक अकाउंट एवं बुक कीपिंग का ज्ञान आपका होना चाहिए, आपका स्थानीय भाषा का नॉलेज हो और उस जिले के जिस जिले में वैकेंसी निकली हुई है आप उस जिले के नेंद्र मतलब केंद्र आप निवासी होने चाहिए, ठीक है ना। और देखिए एक जो वैकेंसी है और दूसरी वैकेंसी निकाली गई है फैकल्टी की, देखिए दूसरी वैकेंसी निकाली गई है फैकल्टी की निकाली गई है, आप लोग यहाँ तक देखिए फैकल्टी की थी। और तीसरी वैकेंसी अटेंडर की, ठीक है, तो ये पूरी वैकेंसी आप लोग देखेंगे, मैं एक्सपर्ट बताऊँगा आप लोग क्या क्या करना आप लोगों को। तो इसमें मैंने बता दिया आप लोगों क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब आप लोगों को आप ये रखा गया समझदार आपका आधार पर रहने वाला कॉन्ट्रेक्ट आपको भर्ती रहने वाली है और आपको इसमें जो राशि मिलने वाली तो आपको 12,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पास राशि दी जाएगी, ठीक है। अवकाश भी आपका रहेगा, उम्मीदवार को प्रति अधिकतम प्रति माह में 2 दिन का आपका दिया जाएगा, ठीक है, और प्रतिवर्ष 12 दिन का अवकाश आप पात्र अभी रहने वाली है। आपका जो चयन किया जाएगा तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों का यहाँ पर किया जाना है, ठीक है, वो उन्होंने बता दिया। आपको आवेदन यहाँ पर भरना होगा और आवेदन की जो लास्ट डेट है 5 अगस्त, यानी 5 अगस्त तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन कहाँ पर भेजना है आप लोगों को, तो आवेदन आपका जो भेजने का पता आएगा वो रहेगा आपका यहाँ पर कार्यालय हेतु सहायक पद हेतु, यहाँ पर आप लोग क्षेत्रीय प्रबंधक अध्यक्ष स्थानीय सलाहकार समिति सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कार्यालय ग्वालियर नागर चंद्रवंशी के समीप सामने, ठीक है, सामने पिन कोड नंबर इस पते पे आप लोगों को भेज देना, ठीक है। आप लोग हिंदी में लिख लें या इंग्लिश में लिख लें, ठीक है ना। आवेदन शुल्क कुछ नहीं है आप लोगों को, ठीक है, सिलेक्शन मेरिट का आपका इंटरव्यू के आधार पर होना, ठीक है। तो ये पहली पद हो गया। अब हम दूसरी पोस्ट की बात कर लेते हैं और देखिए ये जो वैकेंसी दोस्तों निकाली जा रही हैं और ठीक है ये आपकी देख सकते हैं सेंट्रल बैंक की वैकेंसी निकाली जा रही है, ठीक है ना। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम अटेंडर की, देखिए अटेंडर की यहाँ पे जो वैकेंसी वो भी यहाँ पे जारी कर दी गई है और इसका जो इसकी जो लास्ट डेट है वो भी 5 अगस्त तक रहने वाली, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बताया, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, देखिए यहाँ पर ये अटेंडर के पद निकाले गए हैं और यहाँ पर इन्होंने ये बता दिया कि 50 जिलों में अवस्थित इनके जो केंद्र वो यहाँ पर हैं इनके, ठीक है ना, और वहाँ पे आपकी भर्ती होनी है, ठीक है। यहाँ पर रहेगा आपका 18 वर्ष रहेगी मिनिमम, 35 रहेगी मैक्सिमम एज रहने वाली है और आप में एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपका यहाँ पर कंप्यूटर के साथ आपने 12वीं पास की हो, ठीक है, कंप्यूटर प्लस 12वीं, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे चाहे किसी भी आप कंप्यूटर डिग्रीज हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपके पास जो स्थानीय भाषा का नॉलेज होना चाहिए और उसी जिले का उसी जिस जिले में निकली है उसका केंद्र आपके निवासी होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरे यहाँ पे आपका संविदा रहने वाला है और यहाँ पर आप लोगों का जो रहेगा पेमेंट तो 8,000 रुपये प्रतिमाह आपको यहाँ पर मिलने वाला है, आपका 2 दिन का रहेगा प्रतिमाह में और 1 साल में 12 दिन का रहने वाला है और आप लोगों का अटेंडर का यहाँ पर पद रहने वाला है। चयन प्रक्रिया आपका साक्षात्कार के आधार पर यहाँ पर किया जाना आप लोगों का, आप लोगों को जो आवेदन करना होगा तो 5 लास्ट आवेदन किए और आप लोगों को जो भेजना होगा आवेदन पत्र तो क्षेत्रीय प्रबंधक अध्यक्ष स्थानीय सलाहकार समिति सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर इसके नाम से आप लोग भेज देना, ठीक है। आवेदन शुल्क कुछ नहीं है, ठीक है ना, और आप लोग जो निर्देश है वो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, हम पूरा बता देंगे आप लोगों को। नेक्स्ट पोस्ट है फैकल्टी की, देखिए यहाँ पर अब फैकल्टी में जाते हैं हम लोग, यहाँ पर जो भी सेंट्रल बैंक यहाँ पर ये निकाल दी गई है और यहाँ पर जो रहेगी आपकी फैकल्टी बता देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए जो रहेगा फैकल्टी का पोस्ट रहेगा, जो मैक्सिमम एज है 65 वर्ष बता दी इन्होंने और क्वालिफिकेशन में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो MSW से या MA से, ठीक है, तो आप लोग इस आवेदन कर पाएंगे, ठीक है ना। और या आपका MA हो इन सोशियोलॉजी से हो या फिजियोलॉजी से हो या BSc हो आप एग्रीकल्चर से, ठीक है, या BO विथ आप या BEd हो तो आप लोग इस आवेदन कर पाएंगे। साथ में कंप्यूटर का आपको नॉलेज आपका होना चाहिए, ठीक है, और आपको ऑफिस में काम करने का एक्सपीरियंस हो आपके पास होगा तो आप लोग इसमें प्राथमिकता मिलने वाली है। और यहाँ पे आप लोगों को लोकल जहाँ से आप रहने वाले हैं वहाँ के रहेगा लैंग्वेज आना चाहिए आप लोगों को और आपको जिस जिले से आते हैं वहाँ का आपका रहना चाहिए, ठीक है, मूल निवासी आपका उस जिले का होना अनिवार्य रहेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट बेस पर आपकी ये रहने वाली है
और आप लोगों को ये पेमेंट मिलने वाला 20,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा, ठीक है। 20,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और यहाँ पर 15 दिन की आपको जो लीव है वो यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है ना। 15 दिन में 2 दिन की यहाँ पर मिलने वाली बता दी उन्होंने। और जॉब प्रोफाइल आपका, ये जो भी ऑफिस का काम होगा इस संबंध में वो काम करना पड़ेगा, और सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पर लिया जाएगा। इंटरव्यू के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाना है, इन्होंने बता दिया। और सबमिट एप्लीकेशन आप लोगों को, एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है वो 5 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली इसकी भी, और इसमें आप लोगों को जो आवेदन भेजना पड़ेगा लिफाफे में, आप लोग तो चाहे स्पीच पोस्ट से भेजना या स्वयं जाके जमा करते हैं आप लोग इस, ये रीजनल मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रील ऑफिस, ठीक है ना, 1 फ्लोर नाका चंदवन, ठीक है, आपको ये चौराहे झांसी रोड ग्वालियर, इस पर आप लोगों को भेज देना, ठीक है। इस बार जो पता है वो भेज देना है, आपके यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगने वाली, ठीक है। और आप जो निर्देश हैं वो आप लोग पढ़ लेना। अब आप लोगों को जो और फॉर्मेट बताया तो ये लगेगा आपका LSI वाला, ये अनुबंध करना पड़ेगा आप लोगों को, जब आप लोग ये फॉर्म रहेगा ये आप लोग भेज सकते हैं, ठीक है। उनके पास आवेदन ये वाला भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो जो LSI बारे आप यहाँ पर रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपका नेम, फादर्स नेम जो भी आपका, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को विकलांग, यदि आप विकलांग हैं तो बोले कहें, ठीक है। इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ लेके यहाँ पर विवरण लेके, ईमेल आईडी का, मोबाइल नंबर, ठीक है, राष्ट्रीय था, तो ये पूरा फॉर्म आपको यहाँ भरना पड़ेगा, स्थायी पता लिखना पड़ेगा, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता, आपने 10वीं पास कब की, किस बोर्ड से की, ठीक है, क्या वो सब्जेक्ट से की, कितना परसेंट रहा, आप स्नातक, आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है ना, डिग्री डिप्लोमा है, और जो आपको अनुभव है तो वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरी जानकारी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये पूरा भरना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। ये भर के आप ये वाला भेज देना, ठीक है ना। ये लगेगा गैस फैकल्टी अटेंडेंट, उसके लिए कायल साइकिल, ठीक है ना। दूसरा बात ये वाला रहने वाला है मेरे पास अटेंडर वाला, ठीक है। ये वाला अटेंडर जो रहेंगे उनके लिए ये वाला भेजना है, यहाँ पर उनका फोटो लगाना पड़ेगा अटेंडर को यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फोटो लग जाएगा, यहाँ पर उस पर नाम लिखा जाएगा आपका, विज्ञापन का नाम आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, पूरा नाम आ जाएगा आपका, और आपकी शायद विकलांग है तो बोले के, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बोले के, ठीक है, राष्ट्रीय धर्म विभाग स्थायी पता आप लोगों का, और यहाँ पर एजुकेशन स्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन अन्य क्वालिफिकेशन आपके पास है, डिग्री डिप्लोमा है तो बोले गए, आपके पास अनुभव, मतलब आपने कहीं काम किया हो मान लो तो उसका अनुभव आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपको भरना पड़ेगा, आपको वर्तमान पता, स्थायी पता, ठीक है, ये वाला। अब आप लोगों को ये फॉर्मेट डाउनलोड कहाँ से करना है, तो ये देखो फॉर्मेट तो हम दे देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, नहीं तो आप लोग क्या करोगे, जो वेबसाइट में बता देता हूँ, इनकी वेबसाइट पर आप जाओगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हम इसकी लिंक दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जैसे जाओगे आपको यहाँ तक जाएगा, देखिए एंगेजमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट, फैकल्टी पहला पता रहेगा, दूसरा मैं इससे मार्क कर देता हूँ आप लोगों को समझ नहीं आएगा, देखिए पहला रहेगा फैकल्टी का, दूसरा रहेगा ऑफिस असिस्टेंट का, और तीसरा रहेगा अटेंडेंट का, ये पद निकाले गए ग्वालियर रीजन में, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, जैसे क्लिक करेंगे इसकी जो जो RAR फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, और फिर जिप फाइल आपकी, सॉरी, तो आप लोग वहाँ से इसके सभी नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। देखिए इस तरह के आ जाएंगे आपके, इस तरह के ये फॉर्मेट रहेंगे आपके सामने, ये दिख रहे हैं आप लोगों को, ये फॉर्मेट पूरे आप लोगों को डाउनलोड कर लेना और आप लोगों को भेज देना है। तो ये इन्फॉर्मेशन मेन थी मैंने बता दी आप लोगों को, ताकि आप लोग आवेदन कर पाएँ, और ताकि MP में बेरोजगार बहुत हैं तो कहीं ना कहीं इनको जानकारी मिलनी चाहिए यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। आप लोग हमारे वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, थैंक्स।